हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सीरीज। और आज के एपिसोड में हम ढूंढने जाएंगे एंड पोर्टल। और मेरे पास ना एंड पोर्टल है ना ब्लेज रोड, तो उससे पहले हम जाएंगे नेदर इस मान खत्ता करने। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं कि मैंने अपने आर्मर, दोनों आर्मर स्टैंड पे लगा दिए हैं। ये डायमंड का आर्मर भी मैंने वीडियो के एंड पे, जब वीडियो खत्म हो गई थी उसके बाद मैंने ऑफलाइन बनाया था। इसके ऊपर मैंने कुछ चार्टर्स लिए हैं। तो ये डायमंड मेरे पास खत्म हो गए थे, तो मैं माइनिंग पे भी गया था। तो मैंने माइनिंग मुझे मिले थे 33 या 32 डायमंड ऑलमोस्ट, तो उसका मैंने आर्मर बना लिया, तो 7 या 6 डायमंड बच गए थे। तो फटाफट अब चलते हैं नेदर में, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मैं नेदर आ गए हूँ और मैं अपने साथ दो फायर रेजिस्टेंस के पोशन और अपनी लोडस्टोन कंपास ले आया हूँ। नेदर आने का मेन मकसद ये था कि इधर सबसे ज़्यादा एंडरमैन भी यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर मुझे वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, ब्लेज रोड। तो यहाँ पर मेरा नेदर फॉरेस्ट का रास्ता बना हुआ है, तो हम वहाँ से जाके फटाफट ब्लेज रोड वगैरह और एंडर पर्ल वगैरह खत्म कर देते हैं। गाइस, मैं नेदर फॉरेस्ट पहुंच गया हूं। उससे पहले, अंदर जाने से पहले हम फायर रेजिस्टेंस का एक पोशन पी लेते हैं और अब चलते हैं हम अंदर। इधर एंडरमैन, इधर पहले वीदर को मारना पड़ेगा, वीदर स्केलेटन्स को। तो कोई नज़र तो नहीं आ रहा फिलहाल, चलते हैं नीचे और मैं कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैं बस ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, बाद में मैं भूल जाऊँ तो मैंने कहाँ पर जाना था। तो फटाफट ब्लेज रोड्स को ढूंढ के वो ले लेते हैं ब्लेज पाउडर। तो ये मेरी शॉट के अंदर लगी हुई है स्माइट 5 और नॉकबैक 1, ये इसलिए 1 हिट में मारे हैं। तो मैं फटाफट यहाँ से टाइम लैप्स वीडियो लगा देता हूँ। गाइस, मैं वापस आ गया हूँ नेदर से और मेरे पास 19 कुछ एंडर पर्ल्स हो गई हैं 50 से ज़्यादा एंडर मैन मारने के बाद, और मेरे पास पहले भी घर में पड़ी हैं। तो इन सबको पकड़ कर एंडर पर्ल के अंदर, एंडर आई के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं पे मेरी ये सिर्फ 3 पड़ी हैं मेरे पास, तो ये हम इसको कर लेते हैं फटाफट एंडर आईज में, आई ऑफ एंडर के अंदर कन्वर्ट। और ये मैं अपनी इन्वेंट्री खाली कर लूँ, ये मेरे पास पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, स्कल वगैरह। तो फिर हम चलते हैं एंडर एंड पोर्टल ढूंढने की खोज में। तो गाइस, मैं पीछे अपने घोड़े को ले आया हूँ और अब एंडर, ये आई ऑफ एंडर फेंक के देखते हैं किस डायरेक्शन में जाना है हमें। ओके, इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस तरफ से सारा पानी ही पानी है, मुझे लगता है बोट लेके जानी पड़ेगी, लेकिन अब फिर भी घोड़े पे जाएंगे। कितने जाना था यहाँ पर, तो अब आगे मैं टाइम लैप्स वीडियो लगा देता, क्योंकि इसको ढूंढने में टाइम तो बहुत लगेगा। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि एंड पोर्टल हमेशा किसी विलेज के अंदर ही होता है, तो हम एक विलेज तक तो आ गए हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर जाता है ये हमें लेके, यहाँ पर ये भी स्टिल यहाँ पर ही है, यहाँ पर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये उसकी ब्लॉक्स हैं। यस यस, के अंदर चला गया, इसका मतलब यहाँ पर ही है। तो हम खोदना शुरू कर देते हैं, और मैं अपने साथ सैडल नहीं लाया वरना वो बहुत ईजी हो जाता है।
और फाइनली गाइस हमें मिल गया है हमारा एंड पोर्टल, और ये मैं पता नहीं कहाँ से नीचे गिर गया हूँ। तो अब इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है। और ये पूरी एक भूल भुलैया की तरह, यार ये इधर क्या कर रहा है? अब इसने मुझे बहुत तंग करना है। आगे इनकी पूरी फोर्स से लड़के हैं अभी। है चला गया। अबे यार मैं टॉर्चेस भी अल्लाह की तरफ से मैं थोड़ी सी ले आया था। तो देखते हैं और इधर क्या है। ओके गाइस, तो हमें हमारा एंड पोर्टल मिल गया है, इसको एक्सप्लोर बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने, मुझे याद नहीं रहा सिल टच की पिकेक्स लाना, ताकि हम इसका स्पॉनर तोड़ लेते। तो अब इसके अंदर हम लगा देते हैं ये सारी। 1 2 कम ना पड़ जाए। ओ एक ही बची। तो ये है हमारा गाइस एंड पोर्टल, फाइनली हमें मिल गया है। तो अब हम ढूंढते हैं बाकी, यहाँ पर बुक्स वगैरह भी होती हैं। तो इसकी मैं इधर से ऊपर की तरफ ना खोदूँ, एक लॉक्स नहीं लाया मैं आई थिंक। सो 25 ही पड़े मेरे पास बस। तो एक दफ़ा मैं ऊपर की तरफ इधर से ही रास्ता बना दूँ, ताकि जब अगली दफ़ा मैं आऊँ तो यहाँ से सीधा हूँ। तो गाइज अब हम दोबारा नीचे चलते हैं, क्योंकि मैं वाटर बकेट तो लाया नहीं, जिसकी वजह से मैं नीचे की तरफ यहाँ पर लीवर बना लेता। तो आई थिंक सो यहाँ से किसी से मुझे एंडर में इसको मार के क्या कहते हैं आयरन गोलम को मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं हमेशा की तरह उड़ जाऊँगा। तो उससे अच्छा है कि मैं नीचे की तरफ एक रास्ता ही खोद लूँ, जब अगली बार आऊँगा तो हम वो लेंगे अपने साथ वाटर बकेट। तो यहाँ से एक और रास्ता खोद देते हैं। तो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ, और मैंने आते वक्त का सीन इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पहले ही जाते वक्त भी वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, तो फजूल वीडियो लंबी हुई जा रही थी, तो इसलिए मैंने आते वक्त रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।